आतंक पीड़ितों को शरण है। हालत से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति महाराज जी की गहरी सहानुभूति हालात से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति महाराज जी की गहरी सहानुभूति का एक और उदाहरण 1987-88 में आतंकवादियों द्वारा सताए गए व्यक्तियों के डेरे में शरण देना। पंजाब में हजारों लोग थे जिनके घर के रोटी रोजी कमाने वाले व्यक्तियों को आतंकवादियों ने निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी। उन्हें अपने घरों से भागना पड़ा और अपनी सारी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों में से कई जब भाग कर डेरे आए तो महाराज जी ने उन्हें शरण दी। एक समय करीब 1400 ऐसे लोग यहाँ थे जो करीब 100 गाँव से निकल कर आए थे। उनमें सिख, हिंदू, मुसलमान, सत्संगी और गैर सत्संगी सभी थे। सबसे समान व्यवहार किया गया। भोजन, दूध, रहने का स्थान, बिस्तर, दवाइयाँ और हर तरह की आवश्यकता सुविधाएँ उनको दी गई। उनके बच्चों के लिए डेरे में थोड़े समय के लिए स्कूल भी खोला गया, बिना किसी तैयारी के डेरे में खोला गया। ये शरणार्थी कैंप आसपास के ऐसे कैंपों में सबसे अधिक सुव्यवस्थित था। सेवादारों ने निस्वार्थ भाव और पूरी लगन से उनकी देखभाल की। काफ़ी समय तक ये शरणार्थी डेरे में रहे, जब तक कि सरकार ने फिर से उनको बसाने की नई योजना बनाकर उनकी देखभाल का इंतजाम अपने हाथ में नहीं लिया। पुण्य आत्माओं, सत्संग प्रेमों, माताओं, भाइयों, बहनों, यह घटना 1947 की याद दिलाती। जब देश में विभाजन के समय बड़े महाराज जी ने डेरे को सबके लिए खोल दिया था और शरणार्थियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। बड़े महाराज जी के हुक्म से लंगर में बना गर्म खाना रोज ब्यास रेलवे स्टेशन भेजा जाता था, जिसे सेवादार पाकिस्तान से आने वाले और वहाँ जाने वाले सभी शरणार्थियों को खिलाते थे। चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख, सत्संगी हो या गैर सत्संगी, संत सबके प्रति प्रेम रखते हैं और पीड़ित इंसानों की बिना किसी भेदभाव के हर तरह से सहायता करते हैं। सज्जनों, जिन लोगों को महाराज जी के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त है, वे उनकी करुणा और कोमल हृदयता को भली भांति जानते हैं। महाराज जी रोज दोपहर और शाम को भोजन के समय रेडियो पर समाचार सुनते हैं। लोगों ने महाराज जी को अपने सामने से खाने की प्लेट हटाते हुए देखा है। जब वे किसी दुर्घटना की या निर्मम हत्याओं की खबर सुनते हैं, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हुई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइबर मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये नितान्त आवश्यक है। मेरी आपसे नंबर गुजारिश है सज्जनों।